अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूट्यूब का, जिसके अंदर हम स्कूल्स के हवाले से बिलखुसूस बहुत सी बातें बताते हैं, बहुत सी चीज़ें सिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये सिलसिला है जिसमें हमने क्लासरूम मैनेजमेंट को मुख्तलिफ हिस्सों में बांटा है, क्योंकि एक बहुत ही तवील सब्जेक्ट है क्लासरूम मैनेजमेंट, और क्लासरूम मैनेजमेंट की ट्रेनिंग हर टीचर को होनी चाहिए। ये एक बुनियादी ज़रूरत है, इसलिए कि मैं नहीं समझता कि क्लास टीचर एक कामयाब नहीं हो सकती जब तक कि उसको क्लासरूम मैनेजमेंट के स्किल्स ना आते हों, और ख़ास तौर पे वो टीचर्स जिनको बहुत तजर्बा नहीं है। इवन ये कि मैंने देखा है कि तजर्बाकार टीचर भी गलतियां कर रही होती हैं कि जिसके अंदर वो जिसका उनको ख्याल रखना चाहिए। तो लिहाजा क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से आज का हमारा ये चौथा पार्ट है, जिसके अंदर हम आपको कुछ मज़ीद अहम बातें बताएंगे, और आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएँ ताकि ये मालूमात मिलती रहे और इन मालूमात के सिलसिले को आगे बढ़ाएँ, आपसे गुजारिश है। तो जनाब, आज की जो गुफ्तगू है उसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ टीचर जो है ना एक चीज़ और करती हैं, और एक आम टीचर का हाँ मामला तो ख़ास तौर पे ये होता है कि वो जो है ना वो बहुत सीरियस होती है, बहुत ही ये नहीं है कि वो समझती है कि तालीम तो ये क्लास और ये बच्चे बस सीरियस रहना है, सीरियस ख़ुद भी रहना चाहती हैं और बच्चों को बिल्कुल सीरियस रख के। सीरियस हर वक्त नहीं होते बच्चे, ना होने चाहिए बच्चों को, जो है कहते हैं ना फ़न टू लर्न, यानी एक खेल कूद में पढ़ाया जाता है, बच्चों को एक अच्छे माहौल में पढ़ाया जाता है। सीरियस हो के अगर पढ़ाया जाए तो बच्चे दिलचस्पी नहीं लेंगे, उनको थकान महसूस होगी, वो जो है ना इग्नोर करेंगे। तो लिहाजा सीरियस जो है वो ज़्यादा क्लास को लेना अच्छी बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा सीरियस हो के जो है वो पूरे मतलब 45 मिनट का ब्लॉक जो है सीरियस चल रहा है। और इसी तरह टीचर में एक मसला और आता है कि वो और जैसे कहते हैं ऑफ टास्क जो बिहेवियर्स होते हैं वो इग्नोर नहीं करती, मतलब ये कि वो जो टास्क दिया हुआ है, अपने काम दिया हुआ है, अगर वो हट के कोई और काम कर रहे हैं तो वो एकदम से उसकी क्लास लेना शुरू कर देती है, एकदम डांट पर शुरू कर देती है टीचर। वो इस बात की एक्सपेक्ट करती है कि बस जो काम दे दिया अब बच्चों ने वही काम करना है, जो तरीका गलत है। तो बच्चों को जो है ना कुछ शरारतें करने का मौका मिलना चाहिए, बच्चे कुछ बातें भी कर सकते हैं। ज़्यादा सीरियस लेंगे तो बच्चे फिर इज्जत भी नहीं करेंगे और बच्चे भी सुनाएंगे भी नहीं क्लास में। इसी तरह जो है वो टीचर्स का एक मसला और होता है कि वो डिस्टेंस रखती है, जो है बच्चों के और आपके दरमियान एक डिस्टेंस एक फासला रखती है जो नहीं होना चाहिए। इसमें लिमिटेशंस हैं, होनी चाहिए, लेकिन एक खाम खाई को अपने उनके दरमियान एक दीवार हाइल कर लेना और एक गैप बना लेना और एक जिसे कहना चाहिए एक ऐसा डिस्टेंस जिसकी वजह से वो एक लर्निंग डिस्टर्ब होती है, ये तमाम चीज़ें इसीलिए कि आपके बच्चों के दरमियान जो है ना एक कम्युनिकेशन का सिलसिला अच्छा हो, बच्चे फोकस करें, बच्चे इन्वॉल्व हों, बच्चे पढ़ सकें। अगर बच्चे इन्वॉल्व नहीं होंगे, पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, सुनाएंगे नहीं, तो फिर यकीनन उनके अंदर वो ट्रेनिंग वो लर्निंग डेवलप नहीं होगी। तो लिहाजा ये एक डिस्टेंस है जो कि उन्हें जो है वो कायम जो है ना वो रखती थी टीचर। इसी तरह टीचर जो है ना एक और मामला है कि वो जो है ना जिसे कहना चाहिए कि टोन का मसला है कि बस टीचर्स की जो है ना एक मोनोटोनस वॉइस होती है, बस एक ही लय में एक ही अंदाज में वो टें 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 मदर चाहता हूँ कि मतलब एक ही उसमें जो है वो बच्चे जो है बोर हो जाते हैं। एक अंदाज नहीं होना चाहिए, आपके अल्फाज में आपके अदायगी में उतार चढ़ाव होना चाहिए, आपके बॉडी लैंग्वेज के साथ अदायगी होनी चाहिए, आपके बॉडी लैंग्वेज के साथ आपकी गुफ्तगू भी में भी उतार चढ़ाव आना चाहिए। एक ही टोन में पढ़ाना, एक ही अंदाज में पढ़ाना, और ये चीज़ एक अच्छी नहीं है जो कि क्लासरूम मैनेजमेंट को जो है डिस्टर्ब करती है। वो साथ साथ जो है वो टीचर के अंदर एक देखा है कि आम टीचर में जज्बा नहीं होता। एक तो टीचर जो है वो एक पेशन समझ के करे, एक ये पैशन नहीं उसका, जिसके अंदर पैशन ना हो वो फिर अच्छी टीचर नहीं हो सकती है। वो अपने शौक़ से अपनी मोहब्बत से इस यानी टीचिंग के शोबे को लो, इसलिए कि टीचिंग तो एक बहुत मोतबरा सब्जेक्ट जो शोबा है और प्रोफेशन है, लिहाजा वो उसके अंदर जज्बा नहीं होता। एक आम टीचर में
तो अच्छी टीचर एक जज्बा होना चाहिए, एक इंतज़ाम जिसे कहना चाहिए वो उनके अंदर होना चाहिए, उस जज्बे के साथ वो पढ़ाए, उस मोटिवेशन के साथ वो पढ़ाए, तो क्लास का माहौल भी अच्छा बनता है। और इसी तरह जो है वो टीचर के अंदर जो है ना वो एक और मसला ये होता है कि वो एक लेक्चर दिए चले जाती है, कोई उसके अंदर पॉज नहीं आता, कोई वक्फ़ा नहीं आता, कोई नहीं गलत है, मालूम चला ब्लॉग शुरू हुआ, उसने जो लेक्चर देना शुरू किया दिए, नहीं, लेक्चर का एक अंदाज़ इख्तियार नहीं करना चाहिए, उसको चेंज करते रहना चाहिए। इसी तरह अल्टरनेट सिस्टम, अल्टरनेट भी होना चाहिए, आपने टीचर ने पढ़ाया तो उसका कोई अल्टरनेट भी हो, मतलब मेथड जो है ना वो अल्टरनेटिव भी होना चाहिए, अगर आपने किसी चीज़ को एक अंदाज़ समझाया तो दूसरा अंदाज़ भी होना चाहिए, अगर उसने नहीं समझा तीसरा अंदाज़, कई अंदाज़ हो सकते हैं। अगर आप एक टीचर फिज़िक्स की टीचर है मिसाल के तौर पर, वो मोमेंटम बच्चों को पढ़ा रही है, तो मोमेंटम में उसके मास ऑफ वेलोसिटी का प्रोडक्ट बता रही है, लेकिन उसके साथ उसको मतलब ये कि क्लास के अंदर अगर वो एक कुर्सी है उसको हिला के दिखा दे, उसको आहिस्ता और तेज़ हिला के दिखा दे कि भाई वेलोसिटी से क्या फ़र्क पड़ता है, और एक सवाल कर सकती है कि हाथी टकराए तो क्या होगा, एक गोला टकराए तो क्या होगा, तो जाहिर है कि ये वेलोसिटी और उसके मास पे डिपेंड करता है। तो मुख्तलिफ मिसालों के ज़रिए, मुख्तलिफ तरीक़ेकार के ज़रिए वो अपने बच्चों को समझाए तो यकीनन बच्चे जो है समझेंगे। तो ये अल्टरनेट्स के साथ वो जो है लेके उसको चलना चाहिए, साथ साथ जो है ना वो टीचर में जो है वो सेंस ऑफ ह्यूमर भी नहीं होता, वो मतलब वो टीचर जो है आमतौर पे वो बच्चे अगर मजाक करना चाहें, बच्चे हंसना चाहें, नहीं, वो खामोश बैठी हुई है, वो हंसेगी भी नहीं, ऐसे टीचर नहीं होने चाहिए। टीचर को चाहिए वो बच्चों के साथ मजाक भी थोड़ा बहुत कर लें, बच्चे अगर मजाक दें उसको अलाउ भी करें, और बस टीचर तो हंसती ही नहीं कभी, बच्चे ने देखा कभी हंसते ही नहीं, मुस्कराए नहीं, तो ये बच्चे ऐसे टीचर को जो है पसंद नहीं करते, या ऐसे बच्चों के साथ वो पढ़ाई में इन्वॉल्व नहीं होते। और इसी तरह जो है वो उनके अंदर जो है ना वो ये एक लर्निंग पीरियड डेवलप नहीं होती इसके ज़रिए। इसी तरह टीचर जो है वो एक और प्रॉब्लम होती है कि वो टीचर जो है ना बच्चों से वर्स्ट एक्सपेक्ट करती है, ये तो मतलब सही नहीं है, तो ये तो पढ़ेंगी नहीं, इनको क्या पढ़ाऊँ मैं तो ये गलत है, टीचर अच्छी होगी तो बच्चे भी अच्छे होंगे, टीचर अच्छी नहीं होगी तो बच्चे भी नहीं पढ़ेंगे अच्छे। इसी तरह टीचर को चाहिए वो मुख्तलिफ वक्तों में कॉल करे बच्चों को, यानी पढ़ाई के दौरान भी नाम लीजिए, रिजवान, अली, कोई भी ऐसा नाम, फिर बच्चों को नामों को पता भी होना चाहिए, बच्चों के नाम क्या हैं टीचर को पता होना चाहिए, ताकि वो अगर नाम जानेगी टीचर तो वो बच्चों को एक मुतवज्जा करना उसके लिए आसान होगा। तो बीच बीच में बच्चों के नाम ले लिया करे, रेस्पॉन्स के कॉल क्या करे कि कॉल फॉर रेस्पॉन्स इसे कहते हैं, कि वो रेस्पॉन्स को देख रही है कि वो पढ़ाई जा रही है टीचर, लेकिन उसको इल्म होना चाहिए कि वो रेस्पॉन्स कैसा है, तो उस रेस्पॉन्स को चेक करने का तरीका आप जानती हैं, अपने सीनियर से पूछ सकती हैं कि वो बीच में रेस्पॉन्स चेक करते रहे कि बच्चों को डिलीवर हो रहा है नहीं हो रहा है, बच्चे लर्न कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बच्चों ने कुछ समझा नहीं समझा, बगैर रेस्पॉन्स के आप पढ़ाई चले जाएँ तो ये तरीका गलत होगा। लिहाजा इस वीडियो के हिस्से में हमने ये 4, 5, 6 बड़ी अहम बातें आपको बताई हैं, इंशाल्लाह ये क्लासरूम मैनेजमेंट पे अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं और भी बेहतर बताऊँगा। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह।